बीजेपी के दिग्गज नेता पहुंचे थे। बीजेपी की भारतीय पार्टी के पक्ष में मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, प्रहलाद पटेल जी और बी डी शर्मा जी पहुंचे थे, जिन्होंने एक रैली निकाल करके सभा को संबोधित करी। उसके साथ ही कांग्रेस में भी जीतू पटवारी के साथ में आकर के एक रैली निकाल करके सभा को संबोधित करी है। इस वक्त आपको बालाघाट से दिखा रहे हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी डॉक्टर भारती पादी का नामांकन भरने के बाद बीजेपी यहां पर शक्ति प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। और शक्ति प्रदर्शन का खास महत्व होता है चुनावों में, वो इसलिए क्योंकि सामने वाली जो पार्टी है उसका मनोबल सबसे ज्यादा अगर कमजोर होता है तो शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से ही। और यही कारण है कि नामांकन रैली में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में बीजेपी के समर्थक इस रैली में पहुंचे हुए हैं। तो बालाघाट में बीजेपी का ये शक्ति प्रदर्शन देखने मिला है, जहां पर नामांकन रैली में सीएम मोहन यादव शामिल हुए। भारती पाधी की ये नामांकन रैली थी, आपको बताया आज अंतिम दिन था नामांकन का। दोपहर 3 बजे तक नामांकन दाखिल किए गए और उसके बाद ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नामांकन के बाद किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी एकजुटता का संदेश देती हुई शक्ति प्रदर्शन करती हुई बालाघाट में नजर आ रही है। बालाघाट मध्य प्रदेश की आदिवासी बाहुल्य सीट है और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि मध्य प्रदेश का ये अंतिम जिला है, उसके बाद छत्तीसगढ़ लग जाता है, तो यहाँ पर इन तमाम बातों का प्रभाव पड़ता है। खासतौर पर आदिवासी वोटर्स ज़्यादा हैं, उनको साधने की पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर होगी। लेकिन नामांकन आज दाखिल करने का आखिरी दिन था और अंतिम दिन भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर भारती पादी ने यहाँ पर नामांकन दाखिल किया। उसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा इस रैली में शामिल हुए और आम जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए आम जनता से भारती पारधी के पक्ष में वोट की अपील करते हुए जो रैली है ये आगे बढ़ रही है। बड़ी संख्या में इसमें भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी शामिल हुए हैं, इसका हिस्सा बने। तो बालाघाट से ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर नामांकन रैली के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर महारैली करते हुए नजर आ रहे हैं।